पर ये देखेंगे कांग्रेस के लोग भाजपा में जा रहे हैं मैं इसे भाजपा की हार मानता हूँ भाजपा की हार इसलिए मानता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है और 10 साल की सत्ता में वो आज तक ऐसे लोग नहीं बना सकी है जो उनकी वैचारिकी को देश के साथ सामंजस्य से बिठा के आगे ले जा सके वो अनंत हेगड़े का टिकट काटते हैं साध्वी प्रज्ञा का टिकट काटते हैं प्रताप सिम्हा का टिकट काटते हैं यानी गोटसे स्कूल ऑफ थॉट्स के टिकट करते हैं और नेहरू स्कूल ऑफ थॉट्स के लोगों को बुला के राज्यसभाएं दी जाती हैं, अशोक चौहान को राज्यसभा दी जाती है राज्यसभा दी जाती है आरपीएन सिंह को राज्यसभा दी जाती है मिलिंद देवड़ा को यह नेहरू स्कूल ऑफ थॉट्स की जीत है कि आपको देश चलाने के लिए भाजपा चलाने के लिए अंत तो कांग्रेस के लोगों की जरूरत है क्योंकि आपके पास ऐसे लोग नहीं है जो सामंजस्य से बिठा के देश आगे ले जा सके मैं मानता हूं लोग गए उसका मलाल है हमारे लोग गए लेकिन ठीक है मैं मानता हूं कि यह भाजपा की हार है आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में भी हैं बीजेपी कांग्रेस की विचारधारा बीजेपी में भाई नरेंद्र मोदी जी नारा देते थे कांग्रेस मुक्त भारत का आज मैं कांग्रेस युक्त भाजपा देख रहा हूं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कैडर का अभाव है कि आप उनको राज्यसभा दे सके उनको टिकट दे सके आपको आयातित करना पड़ रहा है आपको कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ला करके मजबूर होकर के उन्हें टिकट देना पड़ रहा है उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान देना पड़ रहा है यह आपकी वैचारिकी की हार है मैं कह रहा हूं ना आप अपनी वैचारिकी के लोगों का टिकट काट रहे हैं कांग्रेस के लोगों को बुला के टिकट दे रहे हैं जीत तो नेहरू की है ना ये